सुटेक फैमिली 40,000 के प्राइस रेंज में टॉप 3 बेस्ट लैपटॉप रेकमेंड करने वाला हूं। तो सबसे पहले बता दूं 40,000 के प्राइस रेंज में कई बंदे ऐसे होंगे जिनका ये लैपटॉप पहला होने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपका ये पहला लैपटॉप है तो यार आपका टाइम आपके पैसे मैं बिल्कुल भी खराब नहीं करने वाला। जितने भी लैपटॉप बताऊंगा हर एक कैटेगरी के लिए बेस्ट होने वाले हैं, 3 से 4 कैटेगरी के लिए ये लैपटॉप बहुत खास होने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना। तो सबसे पहले एक बेसिक क्राइटेरिया की बात करते हैं कि क्या चीज लैपटॉप में होनी चाहिए एंड क्या चीज नहीं होनी चाहिए। सीपीयू से स्टार्ट करते हैं, तो यार 11th जनरेशन सीपीयू की यार हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आप एएमडी के प्रोसेसर सर्च आउट कर रहे हो तो 4000 सीरीज की और हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। 8GB रैम मिनिमम होनी चाहिए, अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा तो प्लस पॉइंट है। एंड जो स्टोरेज है ना 512GB SSD हमें चाहिए एंड नॉर्मल SSD नहीं, M.2 NVMe SSD चाहिए, वो भी अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 64-bit के साथ मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारी डिस्प्ले है ना वो 14 इंच के तरफ 14 इंच के साथ या 15.6 इंच के साथ हमें फुल HD डिस्प्ले चाहिए ही चाहिए। तो ये था एक बेसिक क्राइटेरिया जो हमें लैपटॉप में, एक चीज इनमें से भी कमी नहीं होनी चाहिए, प्लस पॉइंट ही होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। प्लस भाई जो बैटरी है हमें 4-5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलना चाहिए हर एक लैपटॉप में। तो स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर मैंने रखा है अभी होनर मैजिक बुक 14 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बड़े शहर से आते हो लाइक दिल्ली बॉम्बे वगैरह शहर से आते हो ना, भी आंख बंद करके इस लैपटॉप को ले लेना, बिकॉज आपके शहर सिटी में ना इनका सर्विस सेंटर इजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक छोटे शहर गाँव से आते हो ना, आपके यहाँ सर्विस सेंटर नहीं होगा, तो आप इस लैपटॉप को बाय मत करना। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि एक बार आप सर्विस सेंटर चेकआउट कर लो कि आपके शहर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, ये लैपटॉप उन लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूं जिनको डिस्प्ले बहुत अच्छी चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, एल्युमिनियम बॉडी चाहिए, मतलब बिल्ड क्वालिटी अगर आपको लैपटॉप की तगड़ी चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ, 37,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं तो 14 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 100% sRGB के साथ देखने को मिलेगी, 16 रिफ्रेश रेट के साथ। तो मैंने आपको पहले बोला था अगर आपको डिस्प्ले क्वालिटी अपर चाहिए ना तो इसी लैपटॉप की ओर जाना, बिकॉज आपका कलर ग्रेडिंग का, अगर आपको फोटोशॉप वगैरह पे काम करना 1080p पर लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, करवा देगा लैपटॉप, दिक्कत नहीं आएगी। प्रोसेसर की बात करूँ, AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा 5500U, 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ ये CPU है, 8GB रैम है, लेकिन रैम अपग्रेड नहीं कर सकते इस लैपटॉप में, ध्यान रखना। 512GB SSD है, SSD अपग्रेड कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 देखने को मिलेगी, 720p वेब कैमरा देखने को मिलेगा, पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इसका डिजाइन लुक वगैरह ना थोड़ा सा अपर हो जाता है, 65% चार्ज हो जाएगा 1 घंटे में, एल्युमिनियम मेटल बॉडी के साथ देखने को मिल जाता है, एंड इसकी ना बैटरी बैकअप 11 घंटे का कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप इजिली नॉर्मली इस लैपटॉप में मिल जाता है। मैंने आपको पहले बोला था अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, अगर आपको मेटल बॉडी चाहिए, 3 कैटेगरी के बंदे इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। कलर ग्रेडिंग करते हो, फोटोशॉप करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप होगा। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपके सिटी स्टेट में इनका सर्विस सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चीज़ आपने सर्च आउट कर लेनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अभी नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर मैंने रखा है एक ट्रस्टेड ब्रांड। यार हमारे यहाँ बहुत मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कि भाई मेरे को HP या डेल का लैपटॉप चाहिए, कोई लैपटॉप रिकमेंड कर दो 40,000 के, यार 25,000 के प्राइस रेंज में मेरे को HP का लैपटॉप चाहिए। ये मैसेज करते हैं भाई 25,000 के प्राइस रेंज में आजकल साला फोन नहीं आता, भाई कैसे बता सकता हूँ। तो बात करते हैं इस लैपटॉप की, HP 14S की बात कर रहा हूँ यार, 40,490 रुपीज़ के प्राइस रेंज में अमेजोन पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है। मैं आपको साथ में शो भी कर दूंगा, ठीक है। 14 इंच के साथ फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 8GB DDR4 रैम है, 512GB SSD देखने को मिल जाती है, i3-1250U CPU देखने को मिल जाता है, एंड MS ऑफिस वगैरह 2021 देखने को मिलेगा, विंडो 11 देखने को मिल जाती है, 4-5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। मतलब हर एक आपकी बेसिक नीड होगी ना, एनिमेशन वगैरह करना चाहते हो, फोटोशॉप यूज़ करना है, 1080p पर वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, कोडिंग करनी है, ऑफिस या कॉलेज के रिलेटेड आपने फाइल्स वगैरह पे काम करना है, MS ऑफिस पे काम करना है, हर एक चीज़ आप इस लैपटॉप पे कर लोगे। 8GB रैम है, लेकिन रैम 16GB अपग्रेड कर सकते हो, 512GB SSD है, SSD भी अपग्रेड कर सकते हो। इसमें आपको Wi-Fi 5 की सपोर्ट मिलेगी, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है, ऑल नेसेसरी पोर्ट मिलेगा, 720p वेब कैमरा, एंड ये सिल्वर कलर में देखने को मिल जाता है। तो प्लस पॉइंट की भी बात करते हैं, Amazon चॉइस टैग देखने को मिल जाता है, मतलब बहुत लोगों ने बाय किया, बहुत लोगों ने पसंद किया, पॉजिटिव कमेंट इस लैपटॉप को
देखने को मिल जाते हैं। बाई करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। लैपटॉप बहुत अच्छा है बेसिक नीड के लिए। एंड अगर आपको HP का ही ब्रांड चाहिए, HP का ही लैपटॉप चाहिए, तो आप इस लैपटॉप को जरूर चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बात करते हैं नंबर वन की। तो नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पर मैंने रखा है Asus VivoBook 15 को। यार 2022 मॉडल देखने को मिलेगा। इसका माइनस पॉइंट ये है कि Amazon पे अवेलेबल जल्दी नहीं मिलता। अगर मिलता है तो लोग बहुत जल्दी बाई कर लेते हैं, बिकॉज ये 40,000 से लेकर 45,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिलता है। इसमें जो CPU है बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, i3 1220p CPU देखने को मिल जाता है 10 कोर के साथ। एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली है, 15.6 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले, 16 रिफ्रेश रेट के साथ, 220 निट्स की ब्राइटनेस है, एंटी ग्लेयर पैनल के साथ देखने को मिल जाती है। 8GB रैम है, 24GB रैम अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर भी प्लस पॉइंट है, 512GB की SSD है, 1TB तक सपोर्ट करती है। इंटेल अल्ट्रा एचडी GPU देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 180 डिग्री पूरा ओपन हो जाता है। 4-5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। 720p वेब कैमरा विद प्राइवेसी शटर के साथ, वाईफाई 6 सपोर्ट, ऑल एक्सेसरी पोर्ट, मतलब हर एक चीज लोडेड होने वाली है भाई इस लैपटॉप में। मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आपको 4K नॉर्मल, अगर ज़्यादा टाइमलाइन पे आप काम नहीं कर रहे तो 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, हर एक चीज़ आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। तो यार ये थे 3 लैपटॉप। एक लैपटॉप मैंने आपको 40,000 से ऊपर बताया, 2 लैपटॉप बताए 40,000 के प्राइस रेंज में। तो अगर आपको बेट 40,000 है तो HP 14S की और जा सकते हो। एंड अगर आपको डिस्प्ले बैटरी बड़ी चाहिए तो Honor MagicBook 14 आपके लिए जन्नत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये दोनों लैपटॉप नहीं चाहिए, एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप चाहिए, 4-5 साल लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, आँख बंद करके Asus VivoBook 15 की और जा सकते हो। तो मैंने आपको कंक्लूजन भी बता दिया। तो अभी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो का। थैंक यू।